हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सुंदर गोरा और स्वस्थ संतान के उपाय। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। हर माँ की चाहत होती है कि उनका बच्चा सुंदर और स्वस्थ हो, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने नवजात शिशु को सुंदर बना सकते हैं। आइए जानते हैं गोरा वर्ण, सुंदर और स्वस्थ संतान उत्पत्ति के उपाय। हर माँ की इच्छा होती है कि उसकी संतान गोरी, सुंदर और तंदुरुस्त हो। इसके लिए जैसे ही माँ को पता चले कि गर्भ ठहर गया है तो ये उपाय करने चाहिए। टिप नंबर वन, गर्भवती स्त्री को पहले महीने से आठवें महीने तक रोजाना दो संतरे दोपहर को खिलाने से बच्चा सुंदर और गोरा होता है। टिप नंबर टू, गर्भधारण का पता चलते ही आधा से एक ग्राम असली वंश लोशन का चूर्ण रात्रि सोने से पहले प्रथम 3-4 महीने दूध के साथ निरंतर लेने से बच्चा गोरा पुष्ट उत्पन्न होता है। माँ स्वस्थ और ताकतवर रहती है और गर्भपात का भी डर नहीं रहता। सहायक उपचार के रूप में अगर वंश लोचन के सेवन के दिन में जितनी खा सके रुचि पूर्वक कच्चे नारियल की गिरी मिश्री के संग चबा चबा कर खाए, इससे संतान का वर्ण अवश्य गोरा होगा। साथ ही वो सुंदर और हष्ट पुष्ट होगी और गर्भवती स्त्री की कमजोरी दूर होगी। टिप नंबर थ्री, गर्भावस्था में 9 माह तक नित्य भोजन के बाद सौंफ चबाते रहने से संतान गौरव वर्ण ही होती है। टिप नंबर फोर, गर्भवती स्त्री को यदि नियमित रूप से ताजा अंगूरों का रस 60 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार देने से गर्भस्थ दांत का दर्द, मरोड़, सूजन, अफरा और कब्ज आदि भी नहीं होती है। टिप नंबर 5, रोजाना नाश्ते में आंवले का एक मुरब्बा खाते रहने से बच्चा गोरा और स्वस्थ और माँ स्वयं भी स्वस्थ रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।